नमस्कार दोस्तों, टंकी और पाइप का एक सवाल है जो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था। मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना करके उसको जवाब दिया जाए। तो आप देखिए कि सवाल है, दो नल हैं, ए और बी दो नल हैं, और एक टंकी को जो अलग अलग, ए नल है वो 18 मिनट में भर सकता है और बी जो है 24 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। शुरू में क्या किया जाता है, दोनों नल चालू कर दिए जाते हैं तथा कुछ देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है तथा बी नल है वो चलता रहता है। तो यदि पूरी टंकी जब भर जाती है तो 16 मिनट लगे, तो नल ए कितने मिनट बाद बंद किया गया, ये पूछा है प्रश्न। तो अब आप इसमें ये देखिए कि पूरी टंकी है वो हम क्या करेंगे कि 18 का और 24 का एलसीएम ले लेंगे। बस हमें इतनी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हमारा इसका दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 72 है, हम 72 लीटर की टंकी मान लेंगे, जो हमारी टंकी है वो 72 लीटर की है। अब देखिए ध्यान से, ए जो है नल है वो 18 मिनट में इसको भर देता है। ए नल इसको 18 मिनट में भर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक मिनट में 4 लीटर पानी इसमें भरता है। बी इसमें 24 मिनट में भर सकता है, तो इसका मतलब बी कितना, बी 3 लीटर एक मिनट में भरता है। इतना कन्फर्म हो गया, क्योंकि 72 लीटर की टंकी है और अगर वो 18 मिनट में पूरा अकेले भर सकता है तो एक मिनट में 4 लीटर भरता होगा। ऐसे बी जो नल है वो 3 लीटर भरता होगा एक मिनट में। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है, जो मेन पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे, शुरू में दोनों का निकालेंगे, फिर कुछ समय के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद शेष टंकी निकालेंगे, फिर उसे ए में निकालेंगे। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एक यहां पर जो मेन पॉइंट निकल के आता है कि ए नल को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद पूरी टंकी भरने में 16 मिनट का समय लगता है। अब यहां पर ये पॉइंट निकल के क्या आया, यहां पर निकल के आया कि जो बी टंकी है, जो बी है वो पूरे समय लगा, जो बी टंकी है उसने पूरे टाइम काम किया, अर्थात 16 मिनट काम किया। तो बी जो है 16 मिनट तक टंकी को भरता रहा, यही नल तो बंद किया गया है, बी नल तो बंद नहीं किया गया। तो बी नल ने 16 मिनट तक काम किया, तो बी एक मिनट में, आप देख रहे होंगे यहां से 3 लीटर निकल के आया था, तो बी एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो बी 16 मिनट में 16 × 3 = 48, तो बी अकेला बी उस टंकी में 48 लीटर पानी डाल देगा। अब आप देखिए ध्यान से, बी ने 48 लीटर पानी भरा, तो इसका मतलब ए ने कितना भरा होगा, तो इसका मतलब ए ने भरा होगा 24 लीटर, ए ने 24 लीटर भरा है। अब इस सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं कि ए ने 24 लीटर पानी भरा है, और यहां से देखिए 18 मिनट से क्या निकल के आया था, यहां से निकल के आया था कि जो ए टंकी है वो एक मिनट में 4 लीटर पानी भरती है, और तो उसने पूरा पानी कितना भरा, 24 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने केवल 4 मिनट काम, वो 4 × 24 6 मिनट काम किया, अर्थात 6 मिनट उसने उस टंकी में पानी डाला। तो इसका मतलब जो यहां पर देखिए, जो 6 मिनट का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो है, आप देखिए ये सही है कि गलत है, आप ये देखिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ए नल को कितने मिनट बाद बंद किया गया, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ लिया जाए कि नल, जो नल ए है वो कितने मिनट पहले बंद किया गया, तो दोनों में अंतर है ना। तो अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए ने कितना काम किया, ए को कितने मिनट बाद बंद किया गया, अर्थात ए ने जितनी समय काम किया उसके बाद जब बंद कर दिया गया, तो ए ने जितना काम किया वही पूछा गया है, तो इसमें 6 मिनट आएगा। और अगर ये पूछा जाता कि ए नल को कितने मिनट पहले बंद किया गया, तो इसका मतलब पूरी टंकी भरी 16 मिनट में और ए ने काम किया कितना, ए ने काम किया कितना, 6 मिनट, तो इसका मतलब 10 मिनट पहले बंद किया गया। तो अगर इस प्रकार से पूछता कि ए को कितने मिनट पहले बंद किया गया, तो आप बता सकते हैं कि 10 मिनट पहले बंद किया गया। तो दोस्तों, इस पाइप और टंकी के क्वेश्चन में
कैलकुलेशन बहुत कम होती है, अगर फंडा समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर पहले क्या करेंगे आप, एक टंकी का निकालेंगे, फिर दोनों का निकालेंगे, फिर दोनों का कुछ समय तक निकालेंगे, फिर उसके बाद शेष बी का निकालेंगे, तो इस प्रकार से करने में तो बहुत टाइम लगता है। जबकि ये सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में आप ओरल कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर आप कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सवाल आप करोगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस क्षमता बढ़ेगी। तो ये था सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बता देना, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।